आज की हमारी कहानी नेटफ्लिक्स पर आई एक पोर्चुगीज ओरिजिन की मूवी है जो चेज और एक्शन से भरी हुई है। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओवरहॉल। तो कहानी की शुरुआत एक ट्रक चेज के साथ शुरू होती है, जहां रॉजर एक ट्रक में सवार होकर दूसरे ट्रक के कार्गो शिपमेंट को चुरा रहा होता है। यहां से कहानी सीधे 6 महीने पीछे जाती है, जहां रॉजर अपने ट्रक रेसिंग में बिजी होता है। रेसिंग के दौरान ट्रक के इंजन फेलियर के कारण वो रेस अपने आखिरी लैप में हार जाता है और सेकंड पोजीशन पर आता है। रेस के बाद रॉजर की मुलाकात अल्फेंसो नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो खुद को उसका एक फैन बताता है। वहीं दूसरी ओर आज की रेस के विनर डेबोरा रॉजर से मिलने आती है और बातचीत के दौरान दोनों में बहस हो जाती है। इसीलिए डेबोरा रॉजर को भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। शाम को रॉजर और उसका दोस्त डैनिलो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग आकर उनको परेशान करते हुए रेस करने को बोलते हैं। काफी उकसाने के बाद ये दोनों भी रेस के लिए मान जाते हैं और रेस के दौरान रॉजर की गाड़ी को डैनिलो चला रहा होता है, जिसके हाथों गलती से एक एक्सीडेंट हो जाता है। मगर अपने दोस्त को बचाने के लिए रॉजर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और कुछ समय के लिए लॉकअप में चला जाता है। थोड़े समय बाद रॉजर के फादर आकर उसकी बेल कराकर उसको अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही में रॉजर को समझाते हैं और उसको अपने जीवन में कुछ अच्छा करने को कहते हैं, लेकिन अभी रॉजर का मूड कुछ खास ठीक नहीं होता। इसलिए रॉजर और उसके फादर के बीच कहासुनी हो जाती है और जब रॉजर के फादर उसको छोड़कर वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक आकर उनको टक्कर मार देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल रॉजर के डैड उसी कंपनी के मालिक थे जिसके लिए रॉजर रेस लगाया करता था, मगर इस हादसे से रॉजर पूरी तरह से टूट गया था। पर वो कहते हैं ना कि चलते रहने का नाम ही जीवन है, इसीलिए रॉजर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। पर मुसीबतें अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए एक दिन रॉजर के फादर की वकील रॉजर के पास आकर उसे सारे अकाउंट के बारे में बताती है, जहां रॉजर को पहली बार पता चलता है कि उसके फादर ने काफी सारा कर्ज ले रखा था, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। जबकि इंजन में लगातार आ रही खराबी की वजह से रॉजर रेस में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिसको लेकर रॉजर अपने दोस्त डैनिलो से बात करता है, जो उसको बताता है कि इंजन के जिस पार्ट में प्रॉब्लम है एक्चुअली वो काफी एक्सपेंसिव है। इसलिए रॉजर अपने स्पॉन्सर से बात करने की सोचता है, मगर रॉजर की लगातार हो रही हार की वजह से इस बार स्पॉन्सर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और किसी भी तरह की मदद देने से वो लोग मना कर देते हैं। स्पॉन्सर्स के हाथों मिली नाकामयाबी के बाद रॉजर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ एक आदमी उसे ओडिलॉन के पैसे चुकाने को कहता है। दरअसल रॉजर के फादर ने ओडिलॉन से ही पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से ओडिलॉन के लोग आकर रॉजर को धमकाना चालू कर देते हैं। इसी वजह से रॉजर चारों तरफ मुश्किलों से घिरता जा रहा था, क्योंकि ना तो उसके पास स्पॉन्सर्स थे और ना ही उसके पास उसके फादर जो उसके हेल्प कर देते। रेसिंग में भी उसका बुरा समय चल रहा था, इसीलिए रॉजर भी ओडिलॉन से मदद लेने का फैसला करता है। ओडिलॉन के साथ मुलाकात में उसको एक स्मोकी नाम के बंदे के बारे में पता चलता है। स्मोकी ओडिलॉन का बिजनेस पार्टनर होता है और उसके सारे धंधे को देखता है। स्मोकी से मिलने पर उसे पहली बार काम समझाया जाता है, जिसके अनुसार उसको कार्गोस की लूट करनी होगी, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के, क्योंकि हाई वैल्यू कार्गोज में ड्राइवर के केबिन में एक डिवाइस लगा होता है। अगर किसी भी कारण से वो डिवाइस एक्टिवेट हुआ तो सारे शहर की पुलिस उनके पीछे लग जाएगी। इतने बड़े खतरे के लिए उसको एक भारी इनाम भी दिया जाएगा। अब थोड़ा सोचने समझने के बाद रॉजर इस काम के लिए मान जाता है और अपने को पायलट के रूप में डैनिलो को अपने साथ रख लेता है और अपनी पहली रॉबरी को अंजाम देता है। रॉबरी पूरी होने के बाद रॉजर को पैसों से भरा एक बैग दिया जाता है, जिसकी मदद से वो अपने ट्रक में आ रही प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेता है। ट्रक पर प्रैक्टिस के दौरान रॉजर काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे इम्प्रेस होकर क्वीन उसकी तारीफ करती है और दोनों में हल्की फुल्की नजदीकियां बढ़ना चालू हो जाती है। प्रैक्टिस के बाद रॉजर ओडिलॉन से मिलता है, जो उसको बताता है कि अगर डिवाइस ऑन हो सकता है तो किसी तरह से ऑफ भी किया जा सकता है। साथ ही में बताता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी काफी अंदर तक पहुंच है, जहां से वो डिवाइस और कार्गोस की खुफिया जानकारी निकलवाता है। अभी तक की चोरी में रॉजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैकिंग की आ रही होती है, क्योंकि ट्रक चुराने के बाद उनके पास सिर्फ 15 मिनट ही बाकी रह जाते हैं कार्गो को ठिकाने लगाने के लिए। मगर इस बार डैनिलो अपने साथ सिग्नल जैमर्स को ले आता है, जिससे उनकी चोरी और भी आसान हो जाती है, क्योंकि एक बार जैमर चालू हो जाए
तो उसके बाद ये लोग कार्गो को कहीं भी लेकर जा सकते हैं और कोई उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे रॉजर की लाइफ में अब सब कुछ ठीक होने लगता है। वो अब इस काम में माहिर हो गया था, जिस वजह से काफी पैसे भी छापने लगा था। साथ ही में अच्छे इंस्ट्रूमेंट अपग्रेड की वजह से रॉजर अब अपनी रेस में भी लगातार काफी अच्छा परफॉर्म करता है। मगर एक दिन डेबोरा को उस पर शक होना चालू हो जाता है, इसीलिए रॉजर डिसाइड करता है कि अगली चोरी उसकी आखिरी चोरी होगी। मगर लास्ट हाइस्ट के समय पुलिस से मुठभेड़ के बीच डेनिलो को गोली लग जाती है और ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हॉस्पिटल ले जाते हुए डेनिलो की मौत हो जाती है। इन सब से एक बार फिर से रॉजर टूट जाता है, क्योंकि सब कुछ खोने के बाद आज वो फिर से अकेला खड़ा था। डेनिलो की मौत के बाद उसकी इकलौती बेटी बारबरा का ख्याल अब रॉजर को ही रखना था, क्योंकि बारबरा का भी इस दुनिया में डेनिलो यानी उसके फादर के अलावा कोई नहीं था। इसीलिए रॉजर डेनिलो की बेटी को अपने घर ले आता है, जहाँ शुरू के कुछ दिनों में तो कोई खास बातचीत नहीं होती है, मगर रॉजर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसका ख्याल रखने की। इसीलिए एक दिन बैठकर बारबरा से वो उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछता है, ताकि वो बारबरा को उनके पास छोड़ सके। इन सभी परेशानियों के बावजूद भी रॉजर अपनी प्रैक्टिस चालू रखता है। वहाँ रेसिंग में रॉजर के अच्छे कमबैक की वजह से उसके स्पॉन्सर्स भी वापस आने लगते हैं। समय अच्छा बीत रहा होता है, इसीलिए बारबरा और रॉजर भी मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। रॉजर उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह रखता है और उसको अपने साथ पिट पर चलने के लिए पूछता है। इन सब के दौरान रॉजर लगातार स्मोकी का कॉल इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो दोबारा से इन सब परेशानियों में अब नहीं पड़ना चाहता था। कुछ ही समय बाद सीजन की एक इम्पोर्टेंट रेस हो रही थी, मगर इंजन हीटिंग की वजह से एक समय तो ऐसा लगता है कि शायद आज तो रॉजर हार ही जाएगा। मगर बारबरा की समझदारी की वजह से और कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स के बाद वो एट लास्ट ये रेस जीत लेता है, जहाँ पर ओडिलॉन उससे मिलने आता है, जो उससे कॉल ना उठाने का कारण पूछता है। लेकिन रॉजर बहाना देते हुए बात को टाल देता है। उसी बातचीत के दौरान अल्फेंजो दोनों की बात करते हुए फोटोज ले लेता है। शाम को एक बार फिर से स्मोकी के लोग आकर रॉजर को धमकाते हुए उसको अपने साथ काम करने को कहते हैं। इसीलिए रॉजर अब सीधे स्मोकी से मिलने की सोचता है और उससे कन्फेस करता है कि अब वो ये काम और नहीं करना चाहता। साथ ही में हम देखते हैं कि जब वो स्मोकी से मिलने आ रहा था, तब वही व्यक्ति जिसने चुपके से उसकी फोटोज निकाली थी उसका पीछा करना चालू कर देता है। दरअसल वो एक पुलिस वाला होता है और अल्फेंजो ओडिलॉन की पूरी गैंग को पकड़ना चाहता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रॉजर को डराने के लिए स्मोकी के लोग उसके स्पॉन्सर को मार देते हैं। धीरे धीरे ये बात डेबोरा यानी क्वीन को पता चल जाती है और वो रॉजर से पूछती है कि तुम आगे क्या करोगे, जिसका जवाब देते हुए रॉजर बताता है कि वो बदल चुका है और वो इन सबसे दूर जाना चाहता है। ओडिलॉन की गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस रॉजर का मोबाइल ट्रैक करना चालू कर देती है, साथ ही कॉल पर हुई उनकी सभी बातों को सुन लेती है। इधर रॉजर भी अपने नए मिशन को अंजाम दे रहा होता है, लेकिन ओडिलॉन के बंदे की गलती की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। इसलिए पुलिस से बचने के लिए वो लोग एक गैंगस्टर के इलाके में चले जाते हैं, जहां पुलिस का घुस पाना लगभग नामुमकिन था। खैर आज तो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं, मगर अब पुलिस और ओडिलॉन दोनों और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाते हैं। रॉजर अभी भी पुलिस से बचा था, इसीलिए वो स्मोकी को साफ साफ बोल देता है कि अब से वो ये चोरी वाला काम बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा कहकर रॉजर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ट्रैक पर अल्फेंजो यानी पुलिस वाला आकर उसको बताता है कि या तो वो उसकी मदद करे वरना जेल जाने को रेडी हो जाए। साथ ही में वो ये भी कहता है कि वो बस स्मोकी और ओडिलॉन को अरेस्ट करना चाहता है, इसीलिए वो रॉजर की मदद चाहता है। अगले सुबह अपना काम निकलवाने के लिए स्मोकी के लड़के बारबरा को किडनैप कर लेते हैं और रॉजर को स्मोकी से मिलने का बोलते हैं। फाइनली रॉजर और स्मोकी में फैसला होता है कि रॉजर ये काम एक आखिरी बार करेगा और बदले में स्मोकी बारबरा को छोड़ देगा। स्मोकी भी इस बात पर मान जाता है, लेकिन इस बार काम और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि जिस कंटेनर को इस बार चुराने के लिए बोला जा रहा था वो हथियारों से भरा होने वाला है। साथ ही उसका शिपमेंट एक टाइट सिक्योरिटी में किया जाएगा। शुरुआत में तो रॉजर मना कर देता है, मगर तभी वहाँ पर ओडिलॉन आकर उसको कन्विंस करता है और काम करने के लिए मना लेता है। अब अपने काम पर जाने से पहले रॉजर अपनी दोस्त डेबोरा से मिलकर एक प्लान रेडी करता है और काम के लिए निकल जाता है। काम को अंजाम देने के लिए रॉजर कुछ तैयारियां करता है, जिसमें वो आने वाले कॉन्वॉय के जैसे ही अपना एक कॉन्वॉय बनाता है, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। साथ ही सबके मोबाइल फोन को सबमिट करा लिया जाता है, ताकि पुलिस वालों तक बात ना पहुंच जाए। फाइनली चोर पुलिस वाला असली खेल शुरू होता है, जहां रॉजर सबसे पहले अपनी वैन को आगे भेजता है, जो पूरे ट्रैफिक सिस्टम को हैक करके कॉन्वॉय का पाथ डेविएट करा देता है, जिससे कि रॉजर आसानी से ट्रक को लूट पाए। इसके बाद रॉजर अपने ट्रक को कार्गो से अटैच करके
अपने साथ ले आता है और पुलिस की गाड़ियों को अलग उलझाते हुए पुराने ट्रक को कार्गो से डिटैच कर देता है। लेकिन तब तक पुलिस की दूसरी टुकड़ी उनके पीछे पड़ जाती है और एक अच्छे खासे चेस के बाद रॉजर अपनी समझदारी से उन्हें चकमा देते हुए कार्गो को स्मोकी के पास ले आता है। रॉजर स्मोकी को कार्गो देने से पहले बारबरा को छोड़ने के लिए बोलता है और दिबोरा को उसको पिक करने के लिए बोलता है। जैसे ही दिबोरा उसको अपने साथ लेती है, वैसे ही रॉजर चकमा देकर कार्गो को वहां से ले भागता है और ले जाकर एक खाली जगह पर खड़ा कर देता है। कार्गो का पीछा करते हुए स्मोकी और उसके लोग भी वहां पर आ जाते हैं। तभी प्लान के मुताबिक पुलिस वाले आकर उन्हें कार्गो के साथ चारों तरफ से घेर लेते हैं और मजबूरन सबको सरेंडर करना ही पड़ता है। दरअसल ये पूरा प्लान अल्फेंजो और रॉजर ने मिलकर तैयार किया था ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी ओर रॉजर ओडिनोन को कॉल करके डराते हुए उसे अपने पार्टनर से बात करने को मना कर देता है। इतना सब करने के बाद रॉजर फाइनली रेस ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां आज सीजन की फाइनल रेस होने वाली है। एक अच्छी कश्मकश और बारबरा की समझदारी की वजह से फाइनली आज रॉजर इस रेस को जीत ही जाता है। सब उसको जीत पर काफी बधाइयां देते हुए गले मिलते हैं। तभी अचानक रेस के बाद ओडिनोन उसे मिलने आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसका जवाब देते हुए रॉजर उसको बोलता है कि अब खेल खत्म हो चुका है। और इतना कहते ही अल्फेंजो और उसकी टीम आकर ओडिनोन को पकड़ लेती है। साथ ही ओडिनोन और स्मोकी का साथ देने के लिए रॉजर को भी 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहां रॉजर आज जेल से बाहर आता है और उसको पिक करने के लिए डेबोरा और बारबरा आए हुए होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी से हम समझ सकते हैं कि क्राइम की दुनिया में घुसना तो आसान है लेकिन उससे निकल पाना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी दुनिया है जो बस आपको एक सुंदर भविष्य की झलक दिखाएगी लेकिन पर्दे के पीछे कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं इसके बारे में कभी कोई किसी को नहीं बताता। इसीलिए अपने जीवन के हर फैसले पर दोबारा जरूर सोचे और बहुत समझदारी से अपने भविष्य का फैसला करें। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।